सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में देखा कि प्रदूषण से हमारे कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं और हर बार क्वेश्चन पेपर में दो चीज़ें पूछी गई थी कि जो प्रदूषण होता है, जो हानिकारक गैसेज होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, उनका स्रोत क्या है, और दूसरा उन गैसेज से क्या क्या हानियाँ होती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये दो चीज़ें मुख्य रूप से हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वायु प्रदूषण से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और वो कहाँ से निकलते हैं और उनके द्वारा क्या क्या हानियाँ होती है, इनके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक एक गैस के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस है दोस्तों। ये क्या है कि ये एक गंधहीन रंगहीन गैस है जो कि पेट्रोल, डीजल तथा कार्बन युक्त ईंधन के पूरी तरह नए जलने से उत्पन्न होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होती है। वो पेट्रोल, डीजल और कार्बन युक्त ईंधन जो होते वो अच्छे तरीके से नहीं जल पाते, अध जले होते, तो वहाँ से ये उत्पन्न होते, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। और इससे क्या होता है दोस्तों, ये है हमारे प्रक्रिया तंत्र को प्रभावित करती है और जिससे हमें नींद लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे वाहन हैं वो क्या क्या चीज़ें छोड़ते हैं, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों कि जो वाहन होते हैं, वाहन से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, तो ये इन्होंने पूछा हुआ था। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की। यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। CO2 के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है और CO2 उत्सर्जन की हमने एक वीडियो बनाई थी, तो CO2 उत्सर्जन में से भी काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो जो CO2 उत्सर्जन है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ से होता है, ज़्यादातर हमारा कोयले से होता है। और जो कोयला है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा चीन के अंदर जलाया जाता है, उसके बाद में स्थान आता है भारत का। तो CO2 के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो की हुई है, वहाँ से आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और ये दोस्तों अन्य प्राकृतिक गैसों के जलाने से भी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लेड यानी कि PB। यह पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, बाल रंगने के उत्पादों आदि में पाया जाता है। प्रमुख रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, जो लेड है, लेड से अभी तक करीब दो बार अपने क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 से 3 बार, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों, जो हमारे पेट्रोल, डीजल के जो वाहन होते हैं, जो तेल होता है, तेल के अंदर लेड की मात्रा मिलाई जाती है ताकि हमारा जो वाहन है अच्छे तरीके से चल सके। अब वाहन तो हमारा अच्छे तरीके से चलता है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह रासायनिक तंत्र को प्रभावित करता है, कैंसर को जन्म दे सकता है तथा अन्य पाचन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकता है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। आगे बात है दोस्तों हमारे पास ओजोन की, ओजोन O3। अब ये देखिए दोस्तों, ये ओजोन O3 ये क्या है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ओजोन क्या है दोस्तों, यह वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण गैस हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अब ये दो काम करती है दोस्तों, जो एक तो सबसे पहला काम तो ये करती है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है सूर्य से जो आती है, उनसे हमें बचाती है, सबसे पहला काम ये करती है। और जो दूसरा हानिकारक काम ये करती है कि अगर ये लेयर पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है। तो एक तरह से ये हमारे लिए लाभदायक है और दूसरी तरफ ये हानिकारक है। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आँखों में खुजली, जलन पैदा होती है और आँखों में पानी आने लगता है। और इससे और क्या होता है दोस्तों, इससे न्यूमोनिया के प्रति प्रतिरोधक शक्ति को कम करती है, यानी कि न्यूमोनिया जो है वो हमें ज़्यादा होने की संभावना होती है।
और इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, और है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, यह धुआं पैदा करती है। इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो अम्लीय वर्षा है वो किस किस से मिलके बनती है, तो अम्लीय वर्षा के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते तो यह अम्लीय वर्षा को जन्म देती है, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। यह पेट्रोल डीजल कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है। अब कई चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो एक ही चीज़ जलाने से काफ़ी तरह की गैसें उत्पन्न हो सकती हैं। यह गैस बच्चों को सर्दियों में सांस की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इससे क्या है, सांस की बीमारियां हो सकती है बच्चों के अंदर। आगे दोस्तों हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, यह कोयले के जलने से बनती है, विशेष रूप से तापीय विद्युत उत्पादन तथा अन्य उद्योगों के कारण पैदा होती रहती है। अब इसमें से भी एक क्वेश्चन आया है दोस्तों कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह धुंध कोहरे अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। अब देखिए यहाँ आ गया ना, अम्लीय वर्षा को जन्म देती है, ये भी SO2 भी, और तरह तरह के फेफड़ों की बीमारियाँ पैदा कर सकती है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें और भी चीज़ें दी हुई है दोस्तों, जैसे कि पेट्रोलियम परिसंस्करण शाला, यानी कि पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है उसके अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादातर मात्रा में वहाँ से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे हम बात करें दोस्तों सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि SPM की बात करें, ये क्या होता है दोस्तों, जो धुएं क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हवा के अंदर छोटे 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 जो कण होते हैं वो लटके रहते हैं, इससे क्या होता है कि एक धुंध के जैसा अपना वातावरण बन जाता है, जिससे क्या है कि हमारी विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है और सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, और जिससे क्या होता है श्वसन क्रिया तंत्र प्रभावित हो जाता है। और आगे हम बात करें दोस्तों धूम कोहरे की, धूम कोहरे के अंदर भी ये वही चीज़ है दोस्तों कि किस तरह से ये होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, आप यहाँ से पढ़ लेना बिल्कुल आसानी से। और आगे दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो ये आता है कि CFC कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और इसमें से करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो CFC है वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, एरोसोल है, और फोम जो है, पैकिंग सामग्री है, उन सभी से हमारी CFC उत्पन्न होती है। और इसमें से 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है CFC कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत खराब होती जा रही है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ये चीज़ हमें पता है। तो जो CFC जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा हानिकारक किसके लिए, हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर, उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हम अम्ल वर्षा की, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारे स्वचालित वाहन हैं विशेषकर मथुरा तेल रिफाइनरी वगैरह है, उनसे क्या है कि उनसे एक तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरा क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे जो वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प है उनसे क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और दूसरा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और इन्हीं से क्या बनता है हमारा दोस्तों, इन्हीं से हमारी अम्ल वर्षा बनती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो अम्ल वर्षा है वो किस किस से मिलके बनती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या है हमारे जल वाष्प यानी कि वेपर्स, उनसे मिलके बनती है। और अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है, यानी कि जो हमारे संगमरमर की जो चीज़ें हैं, मार्बल की जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं, और इसी के कारण दोस्तों हमारा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे ख़राब होता हुआ जा रहा है। अब देखिए ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG, LPG गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्रों में मोटर वाहन को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि जो ताज महल है उसको अच्छे से रखने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना ज़रूरी है।
और आगे हम बात करें दोस्तों, हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, ये मान लिया हमने सूर्य, ये सारी की सारी किरणें पृथ्वी पर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारी पृथ्वी को गर्म करेगी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है, कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, ठीक है, और परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है मैं बताऊँ, जैसे कि ये हमारा सूर्य है और ये जैसे कि ये हमारी किरणें आ रही है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें से कुछ जो किरणें हैं ये आई है दोस्तों, ये वापस उड़ के आकाश गंगा के अंदर चली जाती है यहाँ पे, लेकिन इसमें से कुछ जो पार्ट है दोस्तों वो नहीं जा पाता, वो रुक जाता है। और वो किस वजह से रुकता है, वो हमारा जो ग्रीन हाउस जो होते हैं, जैसे हमारे खेतों में आपने देखे होंगे कि तंबू के आकार के इस तरह से लगा दिए जाते हैं नर्सरी वगैरह के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि वो इन किरणों को वापस नहीं जाने देते, इस वजह से हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है दोस्तों वह हमारा CO2 हानिकारक है इसके लिए। और दोस्तों अब बात आता है कि हमारे ग्रीन हाउस है उसके अंदर कौन कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से भाग लेती है। एक तो जैसे कि जल वाष्प है, ये इसके अंदर भाग लेता, आप यहाँ से पढ़ लेना बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जल वाष्प मतलब यानी कि हमारे वातावरण के अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं पानी के, वेपर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं। और उसके बाद में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ लिया, आप चाहे तो इसमें दोबारा से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास मीथेन, अब ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मीथेन। अब देखिए मीथेन दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम कंसंट्रेशन में मौजूद होती है। इसके अलावा मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय के लिए रहती है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का कंपेरिजन किया हुआ है। बात आती है दोस्तों जो मीथेन गैस है वो ज़्यादातर कहाँ पे उत्पन्न होती है। मीथेन गैस मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाके और उत्तरी वेस्टलैंड में उत्पन्न होती है। दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन एक बार आया था कि जो मीथेन है वो कहाँ उत्पन्न होती है, तो उसका जो ऑप्शन था ये उत्तरी वेस्टलैंड दिया हुआ था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मीथेन है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों ओजोन O3 की, तो ओजोन के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है कि ओजोन क्या होती है। तो अब बात आती है दोस्तों हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड और फ्ल्यू ओरिएंटेड गैस। दोस्तों ये जो गैस है ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मैंने इस गैस के बारे में कभी नहीं सुना। तो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते दोस्तों, यहाँ पर हमने नोट दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। और इसी तरीके से नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वीडियो में हम जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। अब आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ प्रदूषक दिए हैं और उनसे मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो सारे की सारी लिस्ट दे रखी है। तो आप ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, जैसे बेंजिन है, बेंजिन से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो दिया है, और उसके स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से वो निकलती है, कैडमियम है, कैडमियम कहाँ कहाँ से निकलती है और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप दोस्तों यहाँ से पढ़ लेना, पूरी की पूरी हमने लिस्ट दी हुई है। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी की सारी चीज़ें दी हुई है, पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसमें एक बार ज़रूर देख लेना। और ये देखिए दोस्तों जैसे ये आ गया ना लैंड यानी कि PB लेड, तो इसके अंदर ये क्या है कि वाहनों के धुएं से ये निकलता है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना। और आगे दोस्तों हमारे पास ओजोन परत, और ओजोन परत के बारे में भी हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ ली है दोस्तों, अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ लेना ओजोन परत क्या होती है, और इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, आप इसमें पढ़ लेना। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारे पास वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स
क्यू आई। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2014 को वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कुछ 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है भारत के अंदर। तो हम ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 8 प्रदूषक है वो कौन कौन से है। तो ये है दोस्तों, सबसे पहला है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है ओजोन, फिर है अमोनिया, फिर है सीसा। और इसमें से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने पहले वाली वीडियो में किया था कि निम्नलिखित में से कौन सी AQI लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या था दोस्तों, उसका आंसर CFC था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, CFC इसमें से कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और उसके बाद में एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, AQI जो इंडेक्स है, उसका इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो 0 से 50 की रेंज जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। उसके बाद में 51 से 100 तक जो होता है मॉडरेट, यानी कि उसको हम कुछ हद तक सही कर सकते हैं, जो उसका रंग होता है येलो होता है। उसके बाद में अगर इसकी वैल्यू 101 से 150 तक आ जाए तो ये अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप के लिए मानी जाती है, और इसका जो रंग है दोस्तों वो आ जाता है ऑरेंज आ जाता है। तो आप ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये भी आप देख लेना दोस्तों, क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 तक किसके लिए सूचक है, इसमें से ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसमें से डायरेक्ट फुल फॉर्म भी वो पूछ लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कण पदार्थ है। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा शहरों में वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना है। तो दोस्तों ये इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखा कि हमारे लिए कौन कौन से प्रदूषक इम्पोर्टेंट हैं, और उनका सोर्स क्या है, और उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इनमें से मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, पूरे के पूरे जो नोट्स हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।